बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक युग में राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति, मतलब पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ड्यूरिंग ऋग्वैदिक एरा। ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना है और आइए देखते हैं। तो हमने आपको, जब आप समाज पढ़ रहे थे, ऋग्वैदिक समाज पढ़ रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो जीवन है वो कैसा था, कब इलाई था, और ये जो कबीले ये थे तो बहुत, मतलब अनेक थे, लेकिन इसमें पांच कबीले यह प्रमुख थे, और इन्हीं पांच कबीलों को पंचजन के नाम से जाना जाता है। पंचजन, अब ये जो पंचजन हैं इसमें कौन कौन आते हैं, तो बच्चों इसे हमने थोड़ा दूरी बना दी ताकि आपके दिमाग पर ये अच्छी तरह से आ जाए। क्लियर? एक अनु है, दूसरा द्रहु है, और तीसरा यदु है, चौथा पुरु है, और पांचवा तुर्वश है। ये पंचजन है। अब बच्चों देखो, ये हमें जन समझना है, ये जन क्या हो गया, तो पुनः मैं आपको बता दूं, थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ मैटर को। ये देखिए, हम आपसे कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक जो समाज था या आर्यों का जीवन था वह कबीलाई था, भ्रमणकारी लोग थे, और एक भी कर लीजिएगा कि कबीले जनों में बटे थे, जनों में बटे थे या जन में बटे थे, ठीक है, तो जनों में बटे थे, तो जन बहुत थे, और इनमें पंचजन ये हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा, ये जन कहाँ से ला दिया, तो देखो हम यहाँ लिख रहे हैं ऋग्वैदिक राजनीतिक इकाई, राजनीतिक इकाई, तो जो राजनीतिक इकाई है, पॉलिटिकल यूनिट है, उसमें क्या क्या आता है, तो देखो बच्चों, एक तो आता है परिवार। अभी हम आपको बताएंगे, कुछ हमारी जो किताबें हैं वह भूल बहुत करी हैं, लेखकों ने भूल बहुत किया है, परिवार, और दूसरा है ग्राम, समझा रहे हैं, लिख लेने दीजिए, ये है बेस, और अगला है जन। तो देखिए, परिवार तो सभी जानते हैं, लेकिन आप या को याद रखना है कि ऋग्वेद में परिवार शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है, इसके स्थान पर कुल शब्द का प्रयोग हुआ है, कुल, और इसी कुल का प्रमुख था कुलपा या कुलप। अब सामान्यतः लोग कर लेते हैं, ठीक है, परिवार या कुल एक ही मान लेते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट जानना है। मान लीजिए कि परिवार ना विकल्प दिया हो, ठीक है, जैसे सिविल सर्विसेज में तो उलझा ही सकता है। अब तो आपने ये देखा कि परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग हुआ है, और इस परिवार का जो प्रमुख है वो है कुलपा। तो बच्चों, परिवारों के मिलन से, देखो ये मिलन है, मतलब अनेक परिवारों के मिलन से ग्राम बनता है, और अनेक ग्रामों के मिलने से विश बनता है, और अनेक विश से मिलने से क्या बनता है, जन, और जन ही ऋग्वैदिक युग की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई है, परिवार सबसे छोटी राजनीतिक इकाई है।
जन सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई है। आप कहीं ऐसा न कर देना भूल से कि राज्य लिख देना या राष्ट्र लिख लेना। अब एक कार्य करो, साइड में एक मैटर ये भी लिख लेना। ऋग्वेद में राज्य का उल्लेख केवल एक बार हुआ है, एक बार हो। राष्ट्र का उल्लेख यह 10 बार हुआ है। क्लियर? राजा का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। क्लियर? तो आपने देखा कि ऋग्वैदिक युग में सर्वोच्च राजनीतिक इकाई जन है। ये यहां आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जन का उल्लेख कितनी बार हुआ है। 275 बार हुआ है। ऐसे लिखिए जैसे मैं बता रहा हूं आपको। विष का उल्लेख 170 बार हुआ है और बार टाइम्स, और ग्राम का उल्लेख 13 बार हुआ है। क्लियर हुआ? परिवार के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो बच्चों ये चीज आपसे पूछते रहते हैं। अब इसके नीचे एक और एरो बना लो। देखो परिवार का प्रमुख तो कुलप आपने लिख दिया पहले से ही। ग्राम का जो प्रमुख था वह था ग्रामड़ी, ग्रामड़ी। और विष का जो प्रमुख था वह था विषपति, विषपति। पति मतलब रक्षक, तो विषपति। और जो जन का प्रमुख था वह कौन था? जनपति या गोपता, या हमने कहा है गोपता जनस्य, जनस्य। गोपता मतलब रक्षक, जनस्य मतलब जन की जनता और उसकी संपत्ति का रक्षक है कौन? जनपति। और जन का प्रमुख, इसे क्यों कहा जा गोपता जनस्य, जन के प्रमुख को गोपता जनस्य क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह जन के रक्षक था। और क्या शब्द प्रयोग हुआ है? आप कहोगे सर राजन शब्द का प्रयोग हुआ है। क्लियर ना? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अब हम पढ़ना कैसे शुरू करेंगे? तो आप याद रखिएगा यहाँ से पीछे की तरफ चलेंगे। क्लियर? तो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं राजन की नियुक्ति, कि जो राजा होता था, ठीक है, राजन या राजा, इसकी नियुक्ति कैसे होती थी, कौन करता था इसकी नियुक्ति। ये चीज याद रखिएगा, राज्य का उल्लेख एक बार, राष्ट्र का उल्लेख 10 बार, राजा का उल्लेख एक बार, जन का उल्लेख 275, 20 177, ग्राम 13। हमारे सामने अब आता है राजन की नियुक्ति। तो बच्चों देखो, कुछ नहीं करो, साफ साफ लिख लो। राजा जब आप जान गए तो आप चाहे राजा ही लिख लो, राजा की नियुक्ति। ठीक है, हमने शॉर्ट में कर दिया नियुक्ति। और इसको आप ऐसे कर लो, प्रारंभ में और बाद में। ठीक, तो प्रारंभ में राजा का निर्वाचन हुआ, जनता ने अपना राजन चुना, लेकिन बाद में यह राजतंत्र हो गया, मतलब वंशानुगत राजा आने लगे। क्लियर? अब यहां देखो, छोटी छोटी हेडिंग बनाओ। पहले टैक्स, टैक्स मतलब कर। तो आप कहोगे कि सर ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक युग में टैक्स नहीं था, कोई टैक्स नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था टैक्स? क्योंकि संपत्ति निजी हुआ करती थी। क्लियर हुआ? संपत्ति निजी हुआ करती थी, और श्रम ही संपत्ति का कॉन्सेप्ट है या था, तो ऐसी स्थिति में टैक्स नहीं चलता था।
नहीं लिया जाता था। तो अब प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि फिर राज्य का या राजा का कार्य कैसे होता था, मतलब कैसे वो कार्य करता था। तो आप कहोगे कि सर बलि से चलता था। अब बलि क्या है? तो आप कहोगे सर उपहार है। यह उपहार किस रूप में लिया जाता था? आप कहोगे सर यह काइंड में लिया जाता था, मतलब मुख्यतः अनाज में लिया जाता था। क्लियर हो गया? अनाज के रूप में यह लिया जाता था, ठीक ना बेटा। अब ये देखो, यहाँ पर आप बल का प्रयोग नहीं कर सकते। हम नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बल का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? ठीक है। जबकि टैक्स में चुकता करने पर क्या होता है? दंड का प्रावधान होता है, लेकिन यहाँ पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है। आपने ये चीज़ भी समझ लिया। हम तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे मैटर को, मतलब छोटी छोटी हेडिंग में मैटर को छोटी छोटी हेडिंग में बदल दे रहे हैं ताकि आप तुरंत फॉलो कर जाएं। अब आप दूसरे हेडिंग डालिए, मैटर तोड़ते हैं, राजनीतिक संगठन आप हेडिंग डाल दीजिए। क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं राजनीतिक संगठन क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो आइए देखते हैं ऋग्वैदिक युग का राजनीतिक संगठन। ठीक बच्चों, अब जो हम लोग राजनीतिक संगठन देखेंगे तो हम ये कहेंगे चार संगठन है। तो इसको ऐसे लिख लो, चार संगठन है तो ये चारों को आप ऐसे लिखो ताकि दिखे। तो ये जो चार संगठन हैं उसमें सबसे प्राचीन संगठन है विदत, दूसरे स्थान पर गण है और तीसरे स्थान पर सभा है और चौथे स्थान पर समिति है। क्लियर? अब इसके नीचे आ जाओ, ऋग्वेद में विदथ शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है या इस संगठन का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 122 बार हुआ है। लेकिन यह क्या कार्य करती थी यह अस्पष्ट नहीं किया गया है। गण का उल्लेख 46 बार 46 टाइम हुआ है, ठीक है, और इससे इसके कार्य भी अस्पष्ट हैं, मतलब अस्पष्ट नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार है और समिति का उल्लेख 9 बार है। इसके नीचे आप आ जाओ, यह दो चीज़ें लिख लेना। पहले तो ये फाइनल कर दो, आप कह दो कि इनके बारे में सर जानकारी नहीं है और उत्तर वैदिक युग में आते आते यह दोनों ही संस्थाएं यह समाप्त हो गई। कब? मतलब आप कह सकते हैं उत्तर वैदिक युग में यह दोनों संस्थाएं नहीं रहेंगी, मतलब ऋग्वैदिक युग में ही यह अपने महत्व को खो गई। अब बची सभा और समिति के बारे में, तो यहाँ हम जानते हैं सभा के अध्यक्ष को और सदस्य को क्या कहा जाता था। सदस्य लिख लीजिएगा, ठीक है, मेंबर। तो अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सभापाल कहा जाता था, सभापाल। और सदस्य को क्या कहा जाता था? सभासद कहा जाता था। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो समिति है, समिति, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सदस्य का नाम नहीं बताया, मैटर उल्लेख ही नहीं है। अब आपको यहाँ एक चीज़ याद रखना है, ठीक है, किसमें? सभा और समिति के संदर्भ में प्रोफेसर लुडविंग, तो प्रोफेसर लुडविंग ने सभा और समिति को क्या कहा है? आप कहेंगे सभा को उन्होंने राज्यसभा से तुलना किया, जो वर्तमान में हमारा अपर हाउस है उससे कहा, और समिति, प्रोफेसर लुडविंग ने सभा और समिति की तुलना हमारी संसद के जो दोनों सदन हैं अर्थात राज्यसभा और लोकसभा से किया है। तो इन्होंने सभा को राज्यसभा बताया है और समिति को लोकसभा बताया है। क्लियर हो गया बच्चे?
बच्चों अब बात आती है कि महिलाओं की राजनीतिक राजनीति में क्या स्थिति रही है। तो देखिए हमने कल बताया था ना, यहाँ लिखा था पीपी मतलब प्रॉपर्टी एंड पॉलिटिक्स। तो हमने कहा था कि महिलाओं को ठीक है राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया। अब आप कहेंगे किताब में तो लिखा हुआ है कि महिलाएं सभा और समिति में जाती थी, क्लियर। तो आप याद रखिएगा जाती थी, लेकिन ये नहीं ने लिखा गया है कि वह राजनीतिक कार्य के लिए जाती थी, क्लियर। तो ऐसी स्थितियों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है, आप पीपी याद रखना बस, प्रॉपर्टी एंड पॉलिटिकल राइट्स इनको प्राप्त नहीं था। अब एक बात आती है और वो है ऋग्वैदिक युग में जो ऑफिसर्स हैं मतलब अधिकारी वर्ग है, हम अधिकारी वर्ग के बारे में जाने, क्लियर। तो इसे हम हटा लेते हैं और हटाने के बाद क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे ऑफिसर या अधिकारी वर्ग, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ऋग्वैदिक युग में अधिकारी कौन कौन है। तो बच्चे देखो, ये देखो हमने लिख दिया अधिकारी है, तो अधिकारी वर्ग है। तो ऋग्वैदिक युग में जो अधिकारी वर्ग हैं, हम लोग अगर उनको जानना चाहें तो एक चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है, वो क्या बन रहा है। तो हम कहेंगे कि देखिए जो अधिकारी वर्ग है, इसको पहली चीज़ तो अधिकारियों की एक सामान्य संज्ञा है वह है रत्नी, मतलब अधिकारियों को क्या कहा जाता था, रत्नी कहा जाता था। और इस रत्नी में कौन कौन आते थे, तो आप पुनः ऐसे कर लेना 2 3 4, क्लियर। तमाम जो किताबें हैं ठीक है, क्योंकि किताबों का चयन महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वहाँ पर 3 लिख करके छोड़ दिया गया होगा, नहीं। अब ये देखिए ग्रामणी, रथकार, सूतकार और कर्मकार, क्लियर। और अब ये देखिए ये यही रत्नी है, रत्नी यही है। अब जो राजा के बहुत करीब रहने वाले में है वो कौन लोग हैं, अधिकारी वर्ग में ये नहीं आते। ये शासक और प्रशासन में जो अंतर है, जैसे नीति निर्माण में जो लोग भाग लेते हैं, तो आप याद रखिएगा पुरोहित, पुरोहित क्या है, तो आप याद रखिएगा कि यह राजा का सलाहकार है, एडवाइजर है ये, क्लियर। और सेकंड चीज आपको याद रखना है, ये राजा के साथ युद्ध भूमि में भी जाता था और राजा के विजय के लिए यज्ञ या पूजा इत्यादि भी करता था। बच्चों अब एक चीज हमको याद रखना है कि ये जो पुरोहित का पद रहा, ये पुरोहित का पद कहाँ तक चलता रहा, आप कहेंगे मौर्यों के काल तक चलता रहा, लेकिन मौर्य शासक सम्राट अशोक ने पुरोहित के पद को खत्म कर दिया और इसके स्थान पर एक संस्था का विकास कर दिया, और वो संस्था थी क्या, परिषा। और इसी परिषा से ही मौर्य युग में या अशोक के काल में ही मंत्रिपरिषद का विकास हुआ था, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ भी जानकारी मिल गई कि हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद का कॉन्सेप्ट कब आता है। और अब आप याद रखिएगा सेना, तो आपको पहली बात याद रखना होगा कि ऋग्वैदिक युग में कोई पेशेवर सेना नहीं थी या वेतनभोगी सेना नहीं थी, क्लियर। अब यहाँ सेना थी कैसे, तो आप कहेंगे सर आवश्यकता पड़ने पर
पूरा कबीला ही वो क्या करता था, युद्ध का कार्य करता था। तो आप सोच रहे होंगे क्या उसमें स्त्रियां भी भाग लेती थीं? तो जी हाँ, स्त्रियां युद्ध भूमि में सक्रिय हिस्सेदारी निभाया करती थीं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ समझ लिया। अब आप एक कार्य और कर जाओ, और वो है न्याय व्यवस्था जान लो कि न्याय व्यवस्था क्या है। तो पहली चीज़ हेडिंग डालो न्याय व्यवस्था। तो देखो बच्चों, न्याय व्यवस्था ये हमने हेडिंग डाल दिया। तो अब हमारे सामने पहला प्रश्न जो उठ के आता है वो है कि न्यायालय को क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा, न्यायालय के लिए मध्यमासी शब्द का प्रयोग किया गया है। मध्यमासी शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? न्यायालय के लिए। अब न्याय का उद्देश्य क्या था, न्याय का उद्देश्य क्या है यहाँ? तो आप कहोगे कि सर देखो, न्याय का उद्देश्य था किसी को दर्द देना नहीं, किसी को मृत्यु की सजा देना नहीं था, अपितु तो न्याय का उद्देश्य क्या था? आप कहेंगे अपराधी में सुधार करना, सुधार करना, सुधार करना। इसका मतलब ऋग वैदिक युग में न्याय का स्वरूप क्या है? आप कहेंगे सर ये सुधारात्मक है या रिफॉर्मेटिव जस्टिस है। यहाँ क्लियर होगी बात। और फिर इसका मतलब यहाँ अपराध भी होते रहे होंगे, तो आप कहेंगे यस, चोरी डकैती, मतलब आरे लोग भोले भाले लोग नहीं हैं, चोरी है, डकैती है, हत्या है, बलात्कार है, ये सारी के सारे जो आज अपराध हो रहे हैं कॉमन, ये वहाँ पर भी होते थे। लेकिन इन अपराधों में जो प्रमुख अधिकार था वो था पशुओं की चोरी, पशुओं की चोरी। अब इन पशुओं की चोरी में गाय की चोरी जो है यह प्रमुख थी। क्यों? क्योंकि गाय उस समय अत्यधिक महत्वपूर्ण थी और गाय की चोरी से युद्ध छिड़ जाते थे। और यही कारण है कि युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब आपने ये चीज़ ये भी जाना। और फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि हत्या, ये लिखा हुआ है हत्या की सजा क्या होती थी, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ बदला प्रवृत्ति थी, न्याय की बदला प्रवृत्ति मौजूद थी। तो इसमें करते क्या थे, 100 गाय। गाय उस समय क्या है, यह मुद्रा की तरह से, पैसे की तरह से प्रयोग की जाती थी। क्लियर, अभी हम लोग आर्थिक स्थिति में देखेंगे। तो जैसे हत्यारा है, तो अब हम लोग देखेंगे एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, दास राग युद्ध। तो इसको इतना ज़्यादा टिपिकल करने की ज़रूरत नहीं है, आप कह देंगे 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, यही ना। तो देखिए, ये जो 10 राजाओं का युद्ध है, यह इसमें ऐसे क्वेश्चन के बीच में कर लीजिए आप, कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे पाकिस्तानी पंजाब में ये हुआ। किस नदी के तट पर हुआ? रावी नदी के तट पर हुआ। और रावी नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? परुषड़ी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और अब ये नदियाँ जो हैं अभी आपको नहीं बताई गई हैं, जब हम ऋग्वैदिक भूगोल बताने लगेंगे, और ये कब बताएंगे, जब उत्तर वैदिक समाप्त कर देंगे तब आपको बताएंगे वैदिक भूगोल, तो उसमें आपको यह चीज़ बताएंगे। तो दासराग युद्ध कहाँ हुआ था? आप कहोगे कि सर पाकिस्तानी पंजाब में, ठीक है, एक नदी बह रही है रावी, और रावी नदी के लिए ऋग्वेद में परुषड़ी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यह दासराग युद्ध कहाँ हुआ? आप कहेंगे परुषड़ी नदी के तट पर हुआ। किसके बीच हुआ था यह युद्ध, किसके बीच हुआ? तो आप कहेंगे सर दो कबीले हैं, 2 कबीले हैं,
एक पुरु कबीला है और दूसरा त्रित्सु कबीला है, त्रित्सु कबीला है। इसी त्रित्सु कबीले को सामान्यतः लोग क्या लिख देते हैं, भरत कबीला लिख देते हैं। तो आपको दोनों ही जानना पड़ेगा। देखिए ये शुद्ध है और ये तो उसके शासक का नाम है, तो इसके नाम से लोग कह रहे हैं। तो जो पुरु कबीला है और त्रित्सु कबीला है, इसी के बीच में ये परशुड़ी नदी का युद्ध हुआ था। क्लियर हो गया। और अब आप कहोगे कि इस युद्ध में देखो, इस युद्ध में इधर भी आर्य हैं और अनार्य हैं, और इधर भी आर्य भी हैं और अनार्य भी हैं। क्लियर। और ये कितनी की संख्या में है, ये देखो लिखा है 10। तो 10 राजाओं के बीच में ये जंग लड़ा गया है। अब इसका परिणाम क्या आएगा, तो पहले आप परिणाम दिखा दो कि इसका परिणाम क्या आएगा। तो ये कह देंगे भरत कबीला यह जीतता है, मतलब ये विजेता है। तो जब ये विजय कर लेगा तो करेगा क्या कि पुरु कबीले का मिलन कर लेगा या उसका विलय कर लेगा। तो जब भरत कबीला या त्रित्सु कबीला और पुरु कबीला मिल जाएगा या एक में मिला लेगा भरत कबीला, तो इन दोनों को मिलने के बाद जो कबीला आया उसको कहते हैं कुरु कबीला। तो आपने देखा कि पुरु कबीला क्या है, तो सॉरी कुरु कबीला क्या है, तो आप कहेंगे भरत प्लस पुरु कबीले का मिलन से जो कबीला बनता है वो है कुरु कबीला। क्लियर है बच्चों। अब हमको एक चीज़ ये देखना है, ये युद्ध हुआ क्यों था, क्यों हुआ। तो आप कहोगे कि सर मुख्यतः दो कारण हैं। एक है रावी नदी जल विवाद, रावी नदी जल विवाद किसके बीच है, आप कहेंगे इन दोनों कबीलों के बीच में है। पुरु कबीला आरोप लगाता है कि रावी नदी का पानी कौन खींच ले रहा है, तो त्रित्सु कबीला ले रहा है। और दूसरा कार्य, दूसरा रीजन क्या है, तो आप कहोगे कि सर दूसरा रीजन ये है कि जो पुरोहित हैं उन पुरोहितों में सर्वोच्चता के लिए या सर्वश्रेष्ठता के लिए संघर्ष चल रहा था। तो ये पुरोहित कौन हैं, दो पुरोहित हैं, एक वशिष्ठ हैं और दूसरे पुरोहित कौन हैं, आप कहेंगे कि सर्व विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र हैं। क्लियर। तो विश्वामित्र किसके हैं, पुरु कबीले की ओर से हैं, और वशिष्ठ किसकी तरफ से हैं, त्रित्सु कबीले के ओर से हैं। क्लियर। और इस युद्ध में ठीक है आपने उसका परिणाम देख लिया। अब अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि पुरु कबीला कहाँ रहता है, तो आप कहोगे कि सर पुरु कबीले का निवास था सरस्वती नदी के तट पर था। किस नदी के तट पर, सरस्वती नदी। मान लो ये सरस्वती नदी है, तो इधर रह रहा है कौन, सरस्वती नदी ये है, तो यहाँ रहा पुरु कबीला। अब ये आता है कि त्रित्सु कबीला कहाँ रहता है, तो आप कहोगे सर सरस्वती और यमुना के बीच रहता है, मतलब यहाँ रहेगा कौन, ये भरत कबीला। तो इधर यमुना और ये इधर आ गई सरस्वती। तो आपको यह मैटर भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आइए हम लोग एक और मैटर देखते हैं, और वो है ऋग्वैदिक जो कि आर्थिक स्थिति क्या है। तो अगर हम लोग ऋग्वैदिक युग की आर्थिक स्थिति को देखें, तो आइए देखते हैं ऋग्वैदिक युग की आर्थिक स्थिति। तो ये तो खत्म कर दिया, अब बात आती है ऋग्वैदिक आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति किस पर आधारित है, तो हमने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक जो समाज है वह कबीलाई है, कबीलाई है, भ्रमणकारी है। भ्रमणकारी क्यों है, तो हमने आपसे कहा था क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है,
तो ये बताया था कि यह पशु चारी लोग हैं, क्लियर। और पशुओं के साथ वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहे थे, क्लियर हो गया। तो पशुपालन ही इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अब पशुओं में इन पशुओं का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। पहले आप गाय को पढ़िए, उसके बाद दूसरा देखिएगा। गाय को यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है गाय, और गाय में आप याद रखिएगा कि गाय विनिमय का साधन है। पहली चीज़ तो आप ये लिखिए, गाय विनिमय या मुद्रा है, ये विनिमय का साधन है। और इसमें अष्टकर्णी जो गाय है, अष्टकर्णी जो गाय है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब गाय जिसके कान में 8 छेद बनाए गए हैं, और उन 8 छेदों में क्या है, सोने की कुंडल डाली गई है, उनको अष्टकर्णी गाय कहा जाता था, और ये अत्यधिक महत्वपूर्ण गाय थी। अब गाय को ये पालते क्यों थे, तो आप कहोगे कि सर 3 चीज़ों के लिए पालते थे। एक दूध के लिए, दूसरा गोश्त के लिए, तीसरा आप कह दो खाल के लिए। अच्छा, एक अगर हम और भी मैटर डाल दें तो आपको कुछ भी मैटर नहीं छूटेगा, और गाय से बछड़ा मिलेगा। अब इसी बछड़े से ये बैल बनाएंगे। अब इस बैल का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो आप कहेंगे अनस में इसका प्रयोग करेंगे। एक तो अनस में, अनस का मतलब बैलगाड़ी। ऋग्वेद में बैलगाड़ी के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, अनस का। और दूसरा कहाँ करेंगे, आप कहेंगे सर यह खेत की जुताई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था, गोश्त के लिए तो होता ही होता था। अब गाय की महत्ता को इससे भी आंका जा सकता है, संगमन और गोचरमन। गोचरमन, संगमन और गोचरमन, ये दो टर्म आपको जानना है पहले। तो ये जो संगमन है, एक और भी देख लीजिए, गविष्ट भी देख लीजिए, गविष्ट। तो ये क्या, तीनों शब्द क्या बता रहे हैं, गाय के महत्व को बता रहे हैं। संगमन किसका मात्रक है, तो आप कहोगे सर समय के लिए, समय के मात्रक के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया गया था, संगमन। गोचरमन क्या है, ऋग्वेद में दूरी माप की इकाई है, क्लियर। और गविष्ट क्या है, युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया था, किया गया था नहीं, किया गया है। और ये चीज़ें अभी हमने आपको इसके पहले बताया था। अब इनका जो दूसरा महत्वपूर्ण पशु है वह कौन है, तो आप कहोगे कि सर वह है घोड़ा। अब जब हम घोड़े की बात करें, ये तो घोड़े के लिए ऋग्वेद में अश्व शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अश्व, अश्व का क्या मतलब था, तो आप कहेंगे देखिए अश्व या घोड़ा। तो पहली चीज आप याद रखिएगा अश्व, तो पहली चीज़ आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि घोड़ा ही आर्यों का क्या है, आप कहेंगे युद्ध में विजय का प्रतीक है। तो इसका सर्वाधिक प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, ये वार में कर रहे हैं, युद्ध में कर रहे हैं। और फिर कहाँ करते हैं ये प्रयोग इसका, आर्यों घोड़े का, आप कहोगे कि सर रथ में करते थे, क्लियर है। और कहाँ करते थे, तो आपसे पूछा जाएगा तो सीधे सीधे आप ये बोलोगे कि सर अश्वमेध यज्ञ में करते थे, अश्वमेध यज्ञ में करते थे। तो ये अश्वमेध यज्ञ में किसकी कुर्बानी दी जाती थी, घोड़े की कुर्बानी दी जाती थी। और यह यज्ञ क्यों किया जाता था, राजन की संप्रभुता को या उनकी सर्वोच्चता को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था।
अब अन्य पशु कौन कौन है ऋग्वेद में, किसका किसका उल्लेख हुआ है? तो देखो, हुआ तो सब चीज़ का है, लेकिन जो चीज़ आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जानोगे वो ये जानोगे कि हाथी और बाघ का प्रयोग नहीं हुआ है, हाथी और बाघ का प्रयोग नहीं हुआ है, और अवे ये शब्द उन्होंने भेड़ के लिए किया है, अजा तो आप कहोगे ये बकरी के लिए या बकरे के लिए किया है, फिर सारमे ये कुत्ते के लिए किया है, और उष्ट्र ये इन्होंने ऊँट के लिए किया है, लेकिन कहीं पर भी हाथी और बाघ का उल्लेख नहीं है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में है इसका उल्लेख है। और अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक और चीज़ हमको देखना पड़ेगा, वो है इनके आवास को जरा हम देख लेते हैं क्या है। तो आप याद रखिएगा आवास, तो अब आवास किस पर डिपेंड करता है? तो आप कहेंगे आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वह पशुचारण पर है, तो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं हो सकती पशुचारण से, तो या पशुओं के पालन से बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो जब बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी तो इनके घर भी बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो इनका जो घर बनता है यह घर इनके खेत में बनता है, क्लियर? अब हम एक स्केच डेवलप कर दे रहे हैं, इस स्केच से आपको बहुत आसान हो जाएगा मैटर को समझना। तो ये देखिए, इनके जो घर हैं वह किस में बन रहे हैं? तो आप कहोगे कि सर इन्हीं के खेत में बनते हैं। अब जो घर है, मान लीजिए सब बहुत सारे घर से छोटे 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 बहुत सारे घर बने हुए हैं, इस घरों की खास बात है कि ये इसमें एक ही कमरे का घर बना है, और इसको बनाने के लिए हमने आपको बता रखा है कि इसको बनाने के लिए वो घास फूस बांस बल्ली मिट्टी इत्यादि का प्रयोग करते थे, और वो एक ही कक्षीय मतलब एक रूम के घर हुआ करते थे। अब ये जहाँ इनका घर रहता था मतलब जहाँ इनकी बस्तियाँ रहती थीं उसके चारों ओर ये करते क्या थे? चारों ओर का मतलब ये हिस्सा आ गया, क्लियर? तो इसके चारों ओर ये खाली स्थान छोड़ते थे, इस खाली स्थान को ये गव्य कहते थे। गव्य का मतलब क्या हुआ? ठीक है, आप कहेंगे जहाँ उनके पशु चरते थे, मतलब ये क्या हुआ? आप कहोगे सर चारागाह। तो चारागाह के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? गव्य का प्रयोग हुआ है। अब जब आप ये चीज़ जान गए तो आप एक दूसरा स्ट्रक्चर भी जानिए, ये क्या हुआ? गव्य, गव्य, ठीक है। अब गव्य के बाहर आप आइए, तो जब गव्य के बाहर आप आएंगे तो ये जो हिस्सा आएगा ये सब गव्य के बाहर है, तो इसमें अरण्य था मतलब जंगल थे, क्लियर? और इसमें जंगली पशु रहते थे, जानवर रहते थे, और इसकी जो देवी थी वह अरण्यानी देवी थी, अरण्य मतलब जंगल, और इसकी जो देवी है वह देवी कौन है? ये देखिए हमने लिख दिया अरण्य यानी, और जब हम धर्म पढ़ रहे थे तो वहां हमने बताया था कि पृथ्वी की एक देवी है जिनका मुख्य काम है जंगल की सुरक्षा और जंगली जानवरों से आर्यों या मानव की सुरक्षा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ जान लिया, ठीक है, कि इनका घर कैसा है। अब हमारी दूसरी जो हेडिंग आएगी वो आएगी कि इनका जो सब्सिडरी ऑक्यूपेशन है, या आप कह सकते हैं कि जो गौण व्यवसाय है उस गौण व्यवसाय को जानते हैं। तो जो इनका गौण व्यवसाय है वह क्या है? कृषि है, खेती बाड़ी या कृषि। तो देखिए जो कृषि है इनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, तो जो कृषि में पहली चीज आप याद रखिएगा कि कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो आप कहोगे कि सर 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख हुआ है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए कि कृषि देवता कौन है, तो आप बोलोगे सर कृषि का देवता जो था वह क्षेत्रपति था, क्लियर। फिर आपसे ये पूछा जाए भूमि,
ठीक है, तो भूमि, तो आप कहोगे कि सर ऋग्वेद में भूमि की प्रकार, तो भूमि दो प्रकार की बताई गई हैं, एक है उर्वरा और दूसरा है क्षेत्र। तो उर्वरा कैसी है? फर्टाइल है, उपजाऊ भूभाग है। और क्षेत्र कैसा है? आप कहेंगे परती है। ये क्लियर हो गया। फिर आप यहीं पर एक और चीज़ जान लो, भूमि माप की इकाई। तो आप कहोगे सर भूमि की माप किस में की जाती थी? आप कहोगे कि सर खिल में की जाती थी। तो फिर यहाँ एक प्रश्न आता है, जब भूमि की माप कर रहे हैं तो क्या भूमि का क्रय और विक्रय भी होता था? क्या इसे दान में भी दिया जाता था? तो आप कहेंगे नहीं सर, कोई क्रय विक्रय नहीं होता था, इसे दान में देने की कोई परंपरा नहीं थी। आपको अब हम अगली चीज़ बताते हैं, ठीक है, कि वहाँ कितनी फसलों की जानकारी है। तो आप देखते होंगे आपकी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा नहीं, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, ये आपके बड़े क्लास हैं। तो आप याद रखिएगा कि सर फसलों में केवल वहाँ दो फसलों का विवरण दिया गया है, एक यौ दिया गया है और दूसरा धान्य दिया गया है। तो कुछ किताबों में आप पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा होगा यौ का मतलब जौ और धान्य का मतलब धान। नहीं, आप गलती कर जाएंगे। बस आप कह दीजिएगा यौ का संबंध स्थापित नहीं है, धान्य का संबंध स्थापित नहीं है। अब ये देखिए, हल, हल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? लांगल शब्द का प्रयोग किया गया है, लांगल शब्द का प्रयोग किया गया है, क्लियर। और हलवाहे के लिए या किसान के लिए? हलवाहे के लिए इन्होंने किनास शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ आता है, जैसे मान लीजिए कि हल का फाल आपसे पूछ दें कि ये जो फाल आता है हल का, यह किसका बना था? तो आप कहोगे सर आयस का बना था। लेकिन याद रखना, आयस का मतलब लोहा नहीं है, कुछ भी हो सकता है लेकिन लोहा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो आप कहेंगे सर ये ऋग्वैदिक युग है सर, ऋग्वैदिक युग के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अब हम लोग दूसरी बात देखते हैं, ठीक है, कर्षण का मतलब था जुताई, क्लियर। और बुआई के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बपन शब्द का प्रयोग किया गया है। और मड़ाई के लिए मर्दन शब्द का प्रयोग किया गया है, मर्दन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमने जुताई भी कर ली, बुआई भी कर ली है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें खाद किसका प्रयोग करते थे? तो गोबर की खाद का प्रयोग करते थे, जिसे वो करीस कहते थे। गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो करीस ये है गोबर की खाद। और अब हम लोग ये देखेंगे कि ये लोग सिंचाई कैसे करते हैं। तो सिंचाई जानने के लिए सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि जल का स्रोत क्या है, पानी का स्रोत क्या है। तो आप कहोगे सर दो है, एक अवत है, दूसरा स्वयंजा है। तो अवत क्या है? आप कहोगे सर कुओं के लिए अवत शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन स्वयंजा क्या है? तो आप कहोगे कि स्वयंजा है प्राकृतिक जल, जो तालाबों में है, नदियों में है, नालों में है, जो स्वयं से जा रहा है, बह रहा है, उसके लिए स्वयंजा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर हो गया। अब हमें एक चीज़ और याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि देखिए जो कुआं है, मान लीजिए ये कुआं है, ठीक है, अब इस कुएं को इन्होंने अवत कहा। अब यहाँ से एक नाली निकलेगी ना जो खेतों में जाएगी, तो आप कहोगे कि सर कुलिया, कुलिया क्या है? तो आप कहोगे कि सर कुलिया जो है यह नाली है, और इसी को क्या कहते थे? सुसीरा भी कहा जाता था। अब हम एक और बात आपको याद रख दें, कर दें
ठीक है, कि जब खेत में जो पहुंचे, मान लीजिए खेत है, इसमें भी तो नालियां बनती हैं, तो खेत में बनी हुई नालियों को शीता कहा जाता था। क्लियर हो गया? और बच्चों अब हमको देखना है कि इनके यहाँ कुछ और चीज़ें थोड़ी बहुत आप याद रखें, तो आइए देखते हैं। देखिए कभी कभी आपसे कुछ टर्म्स दे देते हैं और पूछ देते हैं कि यह किसके किसका प्रतीक है, तो आप याद रखिएगा हसिया। हसिया तो सभी लोग जानते ही होंगे, तो हसिया के लिए वहाँ पर श्रीणी शब्द का प्रयोग हुआ है, दराती शब्द का प्रयोग हुआ है, दराती ठीक है शब्द का प्रयोग हुआ है, और इसके अतिरिक्त सूप, सूप सभी जानते होंगे, सूप के लिए सुरपा शब्द का प्रयोग हुआ है। क्लियर? और एक और चीज़, और वो है चलनी के लिए, चलनी के लिए ऋग्वेद में तितऊ शब्द का प्रयोग हुआ है। बच्चों एक और जो स्टोरेज होता है, मतलब कोठार होता है, कोठार जहाँ पर हम लोग अन्न का संग्रह करते हैं, उसके लिए स्थवी शब्द का प्रयोग हुआ है। और एक हमें और जानना है, वो ये है कि अनाज को मापने के लिए एक बर्तन होता था जिसे उर्दर कहा जाता था, ठीक है, कुछ जैसे हम लोग भी नाप के डालते हैं ना। अब हमको अगली चीज़ याद रखना है, ठीक है, ऋग्वैदिक युग में व्यापार और व्यवसाय, तो आइए देखते हैं ऋग्वैदिक युग में व्यापार और व्यवसाय क्या है। तो देखते हैं व्यवसाय, देखते हैं तो आप याद रखिएगा व्यवसाय हमने लिख लिया। अब व्यवसाय, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो आप कहोगे कि सर वस्त्र निर्माण ही इनका मुख्य व्यवसाय है। अब वस्त्र के लिए वहाँ पर वाश, वसन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर हो गया? और अब यहाँ हमको याद रखना है करघे के लिए ऋग्वेद में तसर शब्द का प्रयोग है। ताने, ताना और बाना दो शब्द होता है ना, ताना और बाना के लिए ठीक है दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, तंतु और ओतु शब्द का प्रयोग हुआ है। और कपड़े पर, कपड़े में जुलहे की बात तो जरूर किया जाना चाहिए, तो ऋग्वेद में जुलहे के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, आप कहोगे सर जुलहे के लिए वाय शब्द का प्रयोग हुआ है। क्लियर हो गया बच्चों? और यहाँ पर हमको याद रखना है कि कपड़े पर स्त्रियों का ठीक है मोनोपोली तो नहीं कह सकते, लेकिन वो ज़्यादा हिस्सा लेती थी, ज़्यादा भागीदारी थी, तो सीरी और पेशस्कारी ये दो नाम आप याद रखना। पेशस्कारी, सीरी क्या है, आप कहेंगे वो लड़की जो कपड़े की सिलाई और बुनाई करती थी, और पेशस्कारी क्या है, आप कहेंगे कपड़े पर चित्रकारी का कार्य करती थी। क्लियर हो गए? अब हमें देखना है कि जो व्यापारी है उस व्यापारी को क्या कहा जाता था। देखो बच्चों व्यापारी के लिए पड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता था या बड़ीज शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या यहाँ मतलब अन्य जो सॉरी कह सकते हैं कि क्या बोला जाता है जो इंटरेस्ट ब्याज, क्या यहाँ ब्याज लिया दिया जाता था, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिया दिया जाता था, क्योंकि ऋग्वेद में बेकनाटन शब्द का प्रयोग हुआ है, और बेकनाटन का अर्थ है ठीक है सूद खोर, तो निश्चय ही यहाँ पर ब्याज लिया जाता था और दिया जाता था। फिर कुछ व्यवसाय आप लिख लेंगे कि कुछ ऋग्वैदिक युग के जो कुछ व्यवसाय हैं, प्रमुख व्यवसाय हैं, उसमें देखिए एक बढ़ई गिरी थी, तो बढ़ई के लिए ऋग्वेद में कुलाल शब्द का प्रयोग हुआ है बच्चों, ठीक है, और नाई के लिए, नाई के लिए वापता शब्द का प्रयोग हुआ है, वापता ठीक है, और जो उसमें रेजर होता है उसके लिए, रेजर के लिए, नाई होगा तो रेजर का प्रयोग करेगा, तो रेजर के लिए इन्होंने छुर शब्द का प्रयोग किया है। क्लियर? चर्मन जो है
चर्मन क्या है? ऐसे लोग जो चमड़े का कार्य करते थे उनको चर्मन कहा जाता था। और भिषज क्या है? आप कहेंगे वैद्य के लिए या डॉक्टरों के लिए भिषज शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये व्यापार कैसे करते हैं, तो हमने आपको शुरू में बताया था कि भाई कोई मुद्रा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हाँ ये है कि विनिमय के लिए आपको हमने पहले से बता रखा था, गाय है, निष्क एक आभूषण है और फिर अश्व है। क्लियर हो गया? और व्यापार ये कैसे करते हैं, आप कहोगे भारवाहक पशुओं से करते हैं, रथ से करते हैं और जल से व्यापार करते हैं, मतलब नाव से ये व्यापार करते हैं। बच्चों आज इतना ही, थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।